हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सरतरुण रूपानी। एंड वंस अगेन आई एम हियर विथ अनदर चैप्टर ऑफ आईसीएसई क्लास 9th सिविक्स। जी, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया कि सर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल इस चैप्टर को सर एक्सप्लेन करिए, और ये रहे हम आपके साथ। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरे राइजिंग स्टार से। राइजिंग स्टार एक एक्सक्लूसिव बैच है आईसीएससी क्लास 9th के स्टूडेंट्स का, इनके लिए मैं ये लगातार लेसन वीडियोस बना रहा हूं। जी, मैंने मैथ्स के ऑलमोस्ट एंटायर सिलेबस के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, हिस्ट्री सिविक्स के वीडियोस मैंने काफी सारे अपलोड कर रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है आपको, अपनी तरफ यस क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स को क्या करना है, प्लीज शेयर करना है इस वीडियो को, इस लिंक को, और उन्हें बताइए कि उनके लिए भी एक चैनल डेडिकेटेड है। जी, इट्स ओनली एंड ओनली बैच राइजिंग स्टार। ये क्या है सर, ये आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव बैच है। हां, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो प्लीज अपने जूनियर्स को, जी अपने जूनियर्स को, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को जो आईसीएससी क्लास 9th में, प्लीज 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 उनको जरूर ये वीडियो शेयर करें। आई विल बी वेरी 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 ग्रेटफुल टू यू। हां, ये वीडियो, ये मैसेज पहले आपके लिए था, और आप नहीं, क्योंकि 10th वालों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मेरे ब्रदर सिस्टर्स, हां मेरे जूनियर्स हैं जिनको क्लास 9th में बहुत दिक्कत आती है, उनके लिए सर कोई वीडियोस, कोई एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाने वाले लोग नहीं है। सो हेयर आई एम। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, इमीडिएटली स्टार्ट करूंगा अपने वीडियो को स्मॉल करके। आज का लेसन सिविक्स में, जी सिविक्स में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो यहां से हम यस शुरू करने जा रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो क्या है पहली चीज कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शब्द का मतलब क्या है। लोकल मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया के, सेल्फ मतलब खुद की, तो आपकी अपनी खुद की सरकार हो तो आप क्या कहोगे, आपके अपने शहर की, आपके अपने, आपकी बस्ती की, आपके अपनी कॉलोनी की सरकार हो। तो हां, जैसे आप क्लास में एक मॉनिटर अपॉइंट करते हो, वो आपकी प्रॉब्लम सुनता है, तो अगर आपके एरिया में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति अपॉइंट हो जाए आप में से ही, जो आपकी सारी समस्याएं सुने, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, आपके यहां पानी नहीं आ रहा है, आपके यहां बिजली नहीं है, सीवर का पानी जाम हो रहा है, जी यही है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये क्या है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है। कौन होता है इसमें, इसमें लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जी, आप द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव, लोकली मतलब यस मैं और आप ही इनको इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। और ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, यस यही रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लोकेलिटी के, अर्थात हमारे हमारे घर के आसपास के क्षेत्र की प्रॉब्लम्स को, जैसे मैंने कहा पानी की प्रॉब्लम, ये आपकी बेसिक एमिनिटी है, लाइटिंग की प्रॉब्लम, बिजली चले जा रही है बार बार, पोल्स नहीं है आपके पास, हाँ सीवर नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, तो ये लोग इसी का काम देखते हैं। जी हाँ, बट क्योंकि हमारा चैप्टर रूरल में है, जी रूरल मतलब विलेज होता है याद रखिएगा, तो हम यहां पर शहर की नहीं, अर्बन इसके बाद है सिलेबस में आपके, हाँ हम लोग कर रहे हैं विलेज की, गांव की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो गांव में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सबसे पहले आता है पंचायत। जी, गांव में पंचायत होती है, और अर्बन एरियाज में, शहर में कौन मिलेगा, हां आपके शहर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है। जी मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मेरे यहां अर्बन में, मैं वाराणसी में रहता हूं, हमारे यहां अर्बन अर्बन गवर्नमेंट जो हमारे पास है, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है हमारे पास, नगर महापालिका। जी आपके शहर में इसका नाम क्या है, कहीं नगर निगम तो नहीं है, कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो नहीं है, कहीं म्युनिसिपैलिटी तो नहीं है, आपको बताना है। यस, ये मेरा क्वेश्चन मेरे राइजिंग स्टार से है, क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट से है, आपके शहर में कौन सा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। हां, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं या गूगल भी कर सकते हैं, पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए, तो अब जानते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, सुनने में तो एक ही वर्ड लग रहा है, जी नहीं दोनों अलग है। देखिए, यहां लोकल गवर्नमेंट है और यहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। तो लोकल गवर्नमेंट किसी लोकेलिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है,
सर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ कंट्रोल करना उसको, जैसे कि आपके पुलिस, हाँ आपकी पुलिस इसके अंदर आती है, आपका फायर डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है, फायर ब्रिगेड होती है ना, तो ये लोग कौन है, ये लोग हैं लोकल गवर्नमेंट के लोग, क्या करते हैं किसी लोकेलिटी का लुक आफ्टर करने के लिए अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने स्टेट ने इन्हें क्या कर दिया है, अपॉइंट किया है, नौकरी दी है, याद रखिएगा ये लोग लोकल गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, इनको सैलरी मिलती है, ये ऑफिशियल्स हैं जी, जो नगर निगम में काम कर रहे हैं आपके यहां, वो व्यक्ति जो वहां नौकरी कर रहे हैं, यस वो लोग, जो जल विभाग है आपका, नाम सुना है आपने जल विभाग, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट जी, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं सब लोकल गवर्नमेंट है, क्या करते हैं, मैंने बताया आपका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, आपके शहर की पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था चेक करते हैं। तो सर ये कौन लोग हैं सर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है, हाँ यहां से शुरू करते हैं दोनों में डिफरेंस। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्हें हम चुनते हैं, हम इन्हें वोट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। तो देखा इनको, इनको हमने चुना है, हमने वोटिंग की है, ये लोग इलेक्टेड लोग होते हैं, हम में से ही, हमारे में से ही कुछ लोग चुनाव में खड़े होते हैं, और हम में से जो 18 या उससे अधिक साल के लोग हैं, 18 ईयर से अधिक, वो उन्हें क्या करते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए अपॉइंट करते हैं जी, दे और इसके लिए सरकार उन्हें ग्रांट देती है, सरकार उन्हें पैसे देती है कि वो जो एक्टिविटीज करवाना चाहते हैं, नहर खुदवाना चाहता है कोई पंच, कोई पंचायत का हेड गांव में पंचायत घर बनवाना चाहता है, गांव में कुआं खुदवाना चाहता है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जी, क्योंकि या गांव गांव की बात कर रहे हैं, अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं, तो वो लोग ये काम करते हैं। आइए अब इनके इंपॉर्टेंस के बारे में जानें। याद रखिएगा ये आपकी अपनी चुनी सरकार है, याद रखिएगा वोटेड लोग हैं, 5 साल के लिए हैं, ऑफिशियल्स नहीं है, याद रखिएगा ठीक है। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, दे प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑन विच द एंटायर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, यस हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, करेक्ट, तो इनको यस इनको भी इसी इसी डेमोक्रेसी के बेसिस पे इलेक्ट किया गया है, इन्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत, अर्थात हर वो व्यक्ति जो 18 साल का है वो वोट कर सकता है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसके तहत इन्हें वोट दिया गया है। हमारे यहां जो भी 18 साल के लोग होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो अपने एरिया के हेड को यस चुनाव के इलेक्शन दौरान इलेक्ट करें। तो डेमोक्रेसी की शुरुआत यहीं से होती है, आप हम लोग वोटिंग करना सीख लेते हैं क्योंकि लोकल लेवल पे हो रहा है, तो ये लोकल पीपल को क्यों इलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स के को जानते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो हमारे नीड्स को बहुत अच्छे समझते हैं, दे आर द बेस्ट जज ऑफ देयर ओन नीड्स, क्योंकि हमारे ही आसपास ये लोग रह रहे होते हैं ना। देखिए अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके घर के आसपास गंदा सीवर का पानी इकट्ठा हो रहा है, या आपके घर में आपके इलाके में आपके मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही है कई दिन दो दिन से, बिजली कटी हुई है आपके पास, तो क्या करेंगे आप, मोदी जी के पास जाएंगे, दिल्ली चक्कर काटने जाएंगे कि मेरी बिजली लगा दो, हाँ या आपके सीवर की प्रॉब्लम है आप कहां जाएंगे बताइए, करेक्ट आप जाएंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास, आप जाएंगे पंचायत के पास जी, क्योंकि हम गांव की बात कर रहे हैं तो पंचायत में जाएंगे, शहर होता तो मैं कहता म्यूनिसिपैलिटी जाएंगे, नगर निगम जाएंगे ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या करती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोगों को एनकरेज करती है एक दूसरे की सहयोग करने के लिए और वॉलंटरी सर्विस देने के लिए। यहां पर यही लोग आपके बीच के लोग क्या करते हैं, बिना ज्यादा खर्चा किए एक दूसरे की मदद से काम कर लेते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लोकल लोगों का सपोर्ट होता है, हाँ क्योंकि ये हम में से ही लोकल लोगों में से ही चुने गए व्यक्ति होते हैं। हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम जी, जब हम पंच को इलेक्ट करते हैं, इस सिस्टम को गांधी जी ने यस एक सपना देखा था कि पूरे भारत में पंचायती राज होगा, और सबसे पहला पंचायती राज नागौर, नागौर एक शहर का नाम है छोटे से, हाँ गांव का बल्कि नाम बोले, शहर बोलूं तो अच्छी बात नहीं है, एक विलेज है राजस्थान में, सबसे पहला पंचायती राज सिस्टम, सबसे पहला पंच अपॉइंट यही हुआ,
सबसे पहली पंचायत बनाई गई। कब? गांधी जी के ही जन्मदिन पे, 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे याद रखिएगा, 1959 में। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाम का एक बदलाव लाया। और अब 24 अप्रैल को हमारे देश में नेशनल पंचायत दिवस मनाया जाता है, जब हम पूरे देश में पंचायत हर गांव में स्थापित कर चुके हैं। क्या है इस एक्ट में, क्या इसके सेलिएंट फीचर्स हैं, किसके सेलिएंट फीचर्स ऑफ दी 73rd अमेंडमेंट, आइए सबसे पहला फीचर्स जानते हैं। तो इसी कानून में थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज बनाया गया है। थ्री टायर, तीन लेवल्स पर, टायर मतलब वो टायर नहीं, थ्री लेयर्स पे बनाया गया है। मतलब हमारे देश में पंचायत थ्री लेयर्स पे काम करती है, आइए तीनों लेयर्स के बारे में इसके बाद बताएंगे। और पंचायत के इलेक्शंस रेगुलरली होंगे हर 5 साल में, जो पंचायत के लोग जुड़ेंगे वो 5 साल के लिए अपॉइंट होंगे। और तो और पंचायत के लिए सीट रिजर्व है, रखेगा पंचायत में सीट रिजर्व होगी एससी के लिए, एसटी के लिए और वुमेन्स के लिए। एससी एसटी और वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व होगी पंचायत में, हाँ, ताकि इनको भी क्या मिले, इक्वेलिटी मिल सके पंचायत के सदस्य के रूप में। आइए पंचायत सिस्टम जरा एक स्क्रीन पे आप देखेंगे कि गांव के ही कुछ सदस्य देखिए राउंड में बैठे हुए हैं जी, और यहां पर वो डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से देख पा रहे होंगे, गांव के लोग बैठे आपस में किसी भी प्रॉब्लम पे डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं। तो कैसे काम करता है, थ्री टायर क्या है सर जी, मैंने कहा था ये थ्री टायर सिस्टम डेवलप किया गया है 73rd अमेंडमेंट में। तो चलिए थ्री टायर सिस्टम क्या है, सबसे पहला है, सबसे टॉप पे कौन होगा, नहीं सबसे नीचे शुरुआत करते हैं, सबसे लोअर लेवल पे कौन है, गांव। गांव में क्या मिलेगी आपको, गांव को कंट्रोल करने के लिए, गांव को संभालने के लिए गांव की पंचायत। गांव बहुत सारे हो जाते हैं, जब 10-20 गांव हो जाते हैं तो बन जाता है ब्लॉक। गांव तो एक छोटा होता है, गांव से बड़ा क्या होता है, ब्लॉक। ब्लॉक में 10-20 गांव होते हैं, इनमें कौन होती है, इनको संभालने के लिए होती है, इन ब्लॉक को संभालने के लिए होती है पंचायत समिति। अब ब्लॉक जब 10-20 से अधिक जुड़ जाते हैं तो बन जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जी, डिस्ट्रिक्ट में होती है जिला परिषद। मैं रहता हूं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में जी, जहां से मैं ये वीडियो आपको बना के बता रहा हूं जी। तो मेरे पास वाराणसी में क्या होगी, जिला परिषद। इन तीनों में सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है जिला परिषद। आइए तीनों के बारे में तो आप जान गए, आइए जाने कैसे लोकल बॉडीज की क्वालिफिकेशंस क्या होती है। हाँ, जो लोकल बॉडीज में चुनाव करना चाहते हैं, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उनकी एज 21 ऑफ इयर्स ऑफ एज से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोकल बॉडी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसका नाम रजिस्टर्ड वोटर के रूप में होना चाहिए, जिस भी पंचायत में हो वहां पर उसका नाम होना चाहिए, वो उस ग्राम सभा का मेंबर होना जरूरी है। गांव की जो 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग होते हैं उनकी एक सभा होती है, नाम है ग्राम सभा, सभा ऑफ ऑल एडल्ट्स ऑफ द विलेज इज कॉल्ड एज ग्राम सभा, ठीक है, उनमें उसका नाम होना चाहिए। ये दो शर्तें चाहिए एक पंचायत का सदस्य बनने के लिए। ये देखिए एक अगेन बड़ा शानदार सा सीन है ग्राम पंचायत का, गांव की पंचायत का, आप देख पा रहे हैं एक वुमेन मेंबर भी है जी, एक पंडित जी भी हैं, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्मों के, देखिए आप शेड्यूल कास्ट का भी व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा जी, तो हर धर्मों के लोगों को इसमें मौका मिलता है। तो ऑल एडल्ट मैन एंड वुमेन इन द विलेज आर रजिस्टर्ड एज मेंबर्स, याद रखिएगा आपको कितनी उम्र होनी चाहिए, 18 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम एज है 18 ईयर। पंचायत से पहले आपको ग्राम सभा का मेंबर होना चाहिए। जो भी व्यक्ति 18 साल का है हमारे देश में उसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जानते हैं जी, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था। आइए सरपंच के बारे में जाने, सरपंच गांव का मुखिया होता है, ग्राम का पंचायत का हेड होता है, हाँ हम लोग मुखिया भी कहते हैं, आपके आसपास जो विलेज हैं उनके बारे में पता करिएगा, यस आप जिस भी शहर में रहते हो जरूर पता करिएगा, उसके आसपास जरूर बहुत सारे गांव होंगे और गांव में होगी पंचायत जी। पंचायत के व्यक्ति को, सरपंच को डायरेक्टली गांव के लोग ही इलेक्ट करते हैं जी, कुछ एरियाज में इनडायरेक्ट भी होता है पर ज्यादातर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और मेंबर्स पंचायत सरपंच के अलावा जिसे ग्राम मुखिया कहते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं,
उसके अलावा और कितने मेंबर होते हैं? वैसे पंच तो पांच वर्ड से बनाया गया है, पंच है ना, पंच मतलब पांच, पर अब पांच से लेकर के 31 तक मेंबर भी हो सकते हैं, 5 to 31 मेंबर्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। किन के लिए? वुमेन्स के लिए। जितने भी मेंबर होंगे उसके 1/3 वुमेन्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल 6 सीट है, हाँ, तो 1/3 सीट मतलब 2 सीट्स औरतों के लिए रिजर्व है, समझ गए। और किसके लिए सीट रिजर्व है? सीट रिजर्व है एसटी और एससी के लिए, ठीक है। अब आता है फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, क्या करती क्या है पंचायत। देखिए, ग्राम पंचायत गांव में एडमिनिस्ट्रेशन का काम कराती है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कराती है? जितने भी पब्लिक वर्क्स कराने हो, जितने भी पब्लिक वेलफेयर के काम कराने हो, गांव में कोई कंस्ट्रक्शन कराना हो, कोई सड़क बनवानी हो, कोई विलेज रोड का मेंटेनेंस हो, कार ट्रैक बैलगाड़ियों को चलने वाला रास्ता हो, कोई ब्रिज बनानी हो, कोई ड्रेन नाला बनाना हो, कोई टैंक बनाना हो, कोई कुआं खोदना हो, ये सब काम सब ग्राम पंचायत कराती है। गांव में क्रीमेशन ग्राउंड, दफनाने की जगह, जलाने की जगह, बरियल ग्राउंड, बरियल दफनाने की जगह, क्रीमेशन जहां पे मुर्दे को जलाया जाता है, जी, जहां डेड बॉडीज को जलाया जाता है, ये सब, जी हां, ये सब ग्राम पंचायत मेंटेन करती है। अपकीप मतलब मेंटेन करना, गांव के प्राइमरी स्कूल को चलाना, ये भी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। तो ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। कुछ सोशल मतलब समाज से जुड़े काम करती है, कुछ इकोनॉमिक फंक्शन भी ग्राम पंचायत करती है। क्या करती है, आइए देखते हैं। जैसे गांव में गेस्ट हाउस की जरूरत है, गांव में बच्चों के लिए लाइब्रेरीज की जरूरत है, मैरिज हॉल की जरूरत है, ये सब भी गांव का पंचायत ही बना के रखता है। और गांव में प्लांटिंग ऑफ ट्रीज कराना, पार्क्स बनाना, गार्डन्स रखना, प्लेग्राउंड्स डेवलप करना, ये सब भी रिक्रिएशन के लिए, बच्चों के खेलने के लिए जिम्मेदारी है पंचायत की। और तो और, गांव में फेयर प्राइस शॉप चलाना, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोलना, जाके किसानों को सस्ता में लोन मिल सके। कहां मिलता है? इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। और फेयर प्राइस शॉप में क्या होता है, या इस शॉप में उनको सस्ते में यस फूड ग्रेन्स मिलता है, ये उनको सस्ता अनाज देती है, जी, जिनके पास फूड ग्रेन्स इजिली अवेलेबल नहीं हो पाता है वो यहां पे आते हैं। अब आता है जुडिशियल फंक्शन, तीसरा फंक्शन है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत में न्याय पंचायत भी होती है। न्याय पंचायत, हाँ, न्याय मतलब समझ ही गए हो, गांव में अदालत, जी, तो इसको कई बार पंचायती अदालत भी बोलते हैं। इसमें सरपंच बैठे होते हैं, यस। गांव में क्या होता है, तीन से चार पंचायत मिल करके एक ग्राम पंचायत अदालत खोलती है। ठीक सुना आपने, पंचायत अदालत या पंचायती अदालत खोलती है, 3 से 4 गांव वाले मिल जाते हैं। क्या करते हैं, आओ कुछ जुडिशियल फंक्शंस करते हैं। याद रखिएगा, सब में नहीं होता है, कुछ ही जगह पर आता है। तो गांव में जो पंचायत बैठती है वो लोग तुरंत फैसला सुनाते हैं, क्विक एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। इनएक्सपेंसिव मतलब कोई इस पे खर्चा नहीं करना पड़ता है। ये पंचायत फाइन भी लगा सकती है किसी अपराधी पर, किसी व्यक्ति पे जो किसी ने अपराध किया है। याद रखिएगा, छोटे मोटे अपराध को ही पकड़ सकती है, ठीक है ना। किसी ने मर्डर कर लिया तो ग्राम पंचायत के पास नहीं जाएंगे, पंचायती अदालत में नहीं जाएंगे। किसी ने डकैती कर दी है तो उसका सजा यहां नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की सजा देने का पावर नहीं है। दे कैनॉट अवॉर्ड अ सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट। और तो और, यहां पे लॉयर्स को भी अलाउड नहीं है कि वो आए, लॉयर्स को पंचायत की मीटिंग्स में आना अलाउड नहीं है। यहां पे जिससे शिकायत है दोनों को सामने बुला दिया जाता है और तुरंत वहीं का वहीं फैसला, चटपट, ठीक है। अब पंचायत से ऊपर कौन है? पंचायत के ऊपर है पंचायत समिति। पंचायत तो गांव में होती है और पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल मतलब 10 से 20 गांव के समूह को, के झुंड को कहते हैं, जी, ब्लॉक। तो ये ठीक पंचायत के ऊपर होती है, ये इमीडिएट बॉडी होती है एट दी ब्लॉक लेवल, ठीक है। अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम है, कहीं पंचायत समिति नाम है तो कहीं क्षेत्रीय समिति भी नाम है, कई नाम हो सकते हैं। तो कौन होते हैं इस पंचायत समिति में? सारे सरपंच उस एरिया के, ऑल दी सरपंच ऑफ दी पंचायत कंसर्न। जैसे मैंने कहा 10 गांव हैं इस ब्लॉक में, तो 10 गांव के सरपंच इसके मेंबर होंगे, हां, सारे 10 के 10। और कौन होंगे? अगर उस एरिया में कोई एमएलए है, जी, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो वो भी उसका मेंबर होगा, जी, कॉम्पोजिशन में, समझ गया ना कौन होगा। क्या ऑफिस बेयरर्स भी होंगे? कोई इनके ऑफिस का काम संभालने वाले होंगे, हां। इनमें आपस में ही क्या होता है, वोटिंग होती है। किनमें?
ये जो कॉम्पोजिशन के लोग हैं पंचायत के सरपंच और मेंबर्स के, इनमें आपस में वोटिंग होती है और ये अपने में से चेयरपर्सन इलेक्ट करते हैं अपनों में से, तो यही बाकी सारे ऑफिस का काम संभालते हैं। क्या फंक्शन करती है, क्योंकि मैंने कहा पंचायत से ऊपर है, ग्राम की पंचायत तो गांव लेवल पे थी ना, गांव से ऊपर है, तो ये उन पंचायत की वर्किंग्स को चेक करती है, जो गांव में पंचायत काम कर रही है उनके कामों पर नजर रखती है। ये क्या करती है, ये गांव से ऊपर की एजुकेशन, ये प्राइमरी एजुकेशन नहीं, प्राइमरी के ऊपर हायर एजुकेशन, मतलब कि कॉलेज तक, यस 10th 12th के स्कूल्स और कॉलेज तक डेवलप करती है ब्लॉक लेवल पर। और क्या करती है, गांव में पंचायत, गांव में हॉस्पिटल नहीं होता है, प्राइमरी प्राइमरी चिकित्सालय होता है, ये हॉस्पिटल्स तक खोलती है, हेल्थ सर्विसेज देती है कम्युनिटी लेवल तक, यस उनसे बड़ा। गांव में तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है छोटा मोटी दवाओं का, बस समझ गया ना कौन सा सरकारी हॉस्पिटल टाइप का, सरकारी हॉस्पिटल दवा खाना टाइप का होता है बस। अब यहां पर ब्लॉक लेवल पे क्योंकि 10 से 20 गांव है इसके अंदर, तो उसमें एक हॉस्पिटल भी होता है, ठीक है, अपना पूरा हेल्थ चेकअप करने के लिए डॉक्टर्स भी होते हैं, और उनसे ऊपर जी। अब आपने देखा पंचायत से ऊपर आ गई पंचायत समिति, पंचायत समिति से ऊपर आती है तीसरा लेवल, 3 tier, याद है ना, तो 3rd level पे आ जाएगा जिला परिषद। जिला मतलब जानते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पे ऑफिस बेयरर्स कौन है, यहां पे भी चेयरमैन होंगे, चेयरमैन इन सबकी मीटिंग्स कंडक्ट कराएगा, चेयरमैन इन सबका हेड होगा, इन्हीं में से इलेक्टेड मेंबर होगा। क्या फंक्शन करता है चेयरमैन, यहां के लोग क्या फंक्शन करते हैं जी, क्या काम करती है ये जिला परिषद। देखिए मैंने एक एग्जांपल में महाराष्ट्र का जिला परिषद का एक बड़ा सा एक लोगो लगाया दिखाने के लिए। तो ये ऑल राउंड डेवलपमेंट वर्क पंचायत समिति के भी ऊपर है, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही है, तो उन सब के कामों को नजर रखती है, और क्या करती है डेवलपमेंट वर्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पूरा देखती है, ओवरऑल इंचार्ज करती है, है ना, और ऐसा फंक्शन करती है जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है, डिप्यूटी कलेक्टर करता है, और वर्किंग ऑफ दी पंचायत्स को भी नजर रखता है, ठीक है। सबसे नीचे याद होगा पंचायत होती थी, विलेज लेवल पे, ग्राम लेवल पे पंचायत, उनके कामों को पंचायत समिति, और उसके ऊपर आ जाएगा जिला परिषद। और हमारे देश में जो पंचायती राज सिस्टम है, यस गांधी जी का कभी ना कभी सपना था, गांधी जी ने एक सपना देखा था हमारे भारत के आजाद भारत में, कि आजाद भारत में तब तक भारत रिपब्लिक नहीं है, तब तक लोगों के पास पावर नहीं है जब तक गांव के अंतिम छोर तक लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं है, और ऐसा हो पाया थैंक्स टू 73rd Amendment इन 1992। इस पंचायती राज सिस्टम के द्वारा गांधी जी का यह सपना भी पूरा हो पाया। और अगर आपका भी आपका भी कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज लाइक प्रेस करने पे कंजूसी मत करना, और मेरे प्यारे राइजिंग स्टार्स क्लास 9th के स्टूडेंट्स जी, आपसे बहुत बहुत मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि 9th के स्टूडेंट्स है कम और वीडियो बनाने में मिलता नहीं है दम, तो प्लीज कर दो इसको शेयर, हर तरफ फैला दो, उड़ा दो अपने सारे दोस्तों को, क्लासमेट्स को बता दो कि अब आपके लिए भी एक चैनल उपलब्ध है जहां पे सारी जानकारी आपको एक जगह मिलने वाली है, सारे लेसन वीडियोस, सारे नोट्स एब्सोल्युटली फ्री जी, प्लीज प्लीज प्लीज। और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पुराने लवर हैं, सुपरस्टार हैं, तो आपको भी रिक्वेस्ट है प्लीज अपने क्लासमेट्स जूनियर्स फ्रेंड्स को जी इस लेसन वीडियोस को भेज करके उनको एनकरेज कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू एंड रियली रियली God bless you. Happy learning.